हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम आरएमए के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम। अब जैसे ईडीएफ में था वो किसके प्रोपोर्शनल था, जिसकी डेडलाइन सबसे कम होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अब ये रेट है, रेट मतलब कि जिसकी रेट सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अब रेट क्या होता है, 1/पीरियड, ठीक है। तो हमने वैसे ही इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, प्रायोरिटी और रेट को एक लीनियर रिलेशन कर दिया है। देखो प्रायोरिटी और रेट का क्या है, लीनियर रिलेशन है। पेपर में ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट जरूर करके जाना, क्योंकि इससे मार्क्स जो है तुम्हारे बढ़ते हैं अगर तुम डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करोगे। देन प्रायोरिटी एंड पीरियड, प्रायोरिटी एंड पीरियड का रिलेशनशिप देखो ये, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। एक ऐसा एल्गोरिथम है जो टास्क को प्रायोरिटी किस हिसाब से देता है, जिसका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, वो क्या है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर। अब आरएमए जो है काफ़ी ऑप्टिमल एल्गोरिथम है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि इफ़ आरएमए कैनॉट सॉल्व अ सेट ऑफ पीरियोडिक टास्क, नो अदर एल्गोरिथम कैन। अगर ये नहीं ना सॉल्व कर सकता, कोई दूसरा एल्गोरिथम सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब आगे आती है शेड्यूलेबिलिटी कंडीशंस। शेड्यूलेबिलिटी कंडीशंस में क्या है, तुम्हारे पास ये जो है नेसेसरी कंडीशन है। अब जैसे हमने ईडीएफ में देखा था, ठीक है, ईडीएफ में तुम्हारे पास ये क्या थी, नेसेसरी कंडीशन थी, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये नेसेसरी कंडीशन है, बट इसको चेक करने के बाद हमने एक और कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है। अब देखो नेसेसरी कंडीशन क्या आ गई, जो यूटिलाइजेशन है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। अब यूटिलाइजेशन किसके इक्वल होती है, ई आई अपॉन पी, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम अपॉन पीरियड। सपोज T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, तीन टास्क दिए हुए, तो सबका प्लस करो, ठीक है, और निकालो एग्जीक्यूशन अपॉन पीरियड करके हर एक टास्क का, और उसको प्लस करो, और वो क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अगर ये आ रहा है मतलब हाँ वो आरएमए में हो सकता है, ये नहीं है कि होगा, ठीक है, हो सकता है। अब कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ वो होगा, इस कंडीशन को लेके, ये सफिशिएंट कंडीशन है। अब जो तुम्हारी यूटिलाइजेशन है ना, 1 से तो कम आनी चाहिए, इससे भी कम जानी चाहिए। ये किसने दिया था, ल्यू एंड लेलैंड ने, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि n इंटू 2^(1/n-1)। अब n क्या है, टास्क, नंबर ऑफ टास्क, ठीक है, इससे जो है यूटिलाइजेशन कम होनी चाहिए। अब देखो अगर हम n इक्वल्स टू 1 की बात करें, n इक्वल्स टू 1 की बात करें, तो हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेट जो आएगी 1 × 2^(1/1), दैट इज 2, -1 = 1, 1 × 1 = 1। सो 1 क्या होती है, 100% यूटिलाइजेशन, मतलब यूटिलाइजेशन या तो इसकी इक्वल होगी या कम होगी, ठीक है। तो ये सीपीयू यूटिलाइजेशन यहाँ पे क्या है, 100% है। अब टास्क क्या था, 1 था। अब जब टास्क नंबर ऑफ टास्क 2 हो जाएंगे, सो 2 × 2^(1/2-1), ठीक है। अब ये किसके इक्वल आया, 0.824 के, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कम हो गया ना, वो टास्क 1 था, ये टास्क 2 है। ऐसे अगर मैं इन्फाइनाइट ले लेती हूँ टास्क, ये याद रखना, अगर पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हो ना तो ले जाओ, क्योंकि कोई भी रूट की वैल्यू आ सकती है वहाँ पे, ठीक है। ओके, फॉर एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारे टास्क हैं, ठीक है। सो इन्फिनिटी 2^(1/∞-1), ये क्या हो गया, ये जो है तुम्हारे पास ये आ गया 1/∞, 2^0, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, 0, ठीक है। सो 2^0 क्या हो गया, 1, 1 - 1 क्या आ गया, 0। सो 0 × ∞ = 0, मतलब जैसे जैसे टास्क बढ़ते जा रहे हैं यूटिलाइजेशन जो है वो कम होती जा रही है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब तुम ये चीज़ देखो कि वो मिनिमम कहाँ तक जाएगी। जब हमने मिनिमम निकालना होता था लाइक हमारे 11th 12th में, तब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते थे ना, कुछ ऐसे ही 2^1/x के लिए, ठीक है। वैसे ही अब तुम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ जो है तुम खुद देख सकते हो, क्योंकि हमने 11th 12th में वो कॉन्सेप्ट किया था। अगर नहीं भी देखना तो इट्स ओके, याद कर लो कि इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.692, ठीक है, जहाँ तक तुम्हारी जो यूटिलाइजेशन जा सकती है, ठीक है। सो इसके लिए हमने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि देखो नंबर ऑफ टास्क यहाँ पे, यूटिलाइजेशन यहाँ पे, सम ऑफ यूटिलाइजेशन। अब जब नंबर ऑफ टास्क 1 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 आया ना, नंबर ऑफ टास्क 1 है तो 100% यूटिलाइजेशन होगी। जैसे जैसे इससे बढ़ती जाएगी वो क्या है, कम होती जाएगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था नंबर ऑफ टास्क 1 है तो 100% यूटिलाइजेशन, जैसे जैसे आगे बढ़ी तो वो कम होती जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट आरएमए का, क्लियर हुआ। इसके बाद हम ये न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कि आरएमए में ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, एंड गाइस बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, एंड जैसे ये प्लेलिस्ट ख़त्म होगी
आई विल पुट द ऑल द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन गो एंड बाय दैट. ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.